अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पतेन तबीब की जो है क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11 यानी कि बाब नंबर 11। इस चैप्टर का नाम है जी लिमिट दी वेलोचिता यानी कि स्पीड की लिमिट, पेरिकुलो खतरे ए इंतरालचो अला सर्कुलेशने चलने के दौरान रुकावटें। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा होने जा रहा है, मतलब इतना लंबा नहीं है, बाकियों की निस्बत इतना लंबा नहीं है। पहले जितने हमने 10 तक जो चैप्टर किए हैं उनमें वो वीडियोज़ काफ़ी लंबी थी, तो क्योंकि वो चैप्टर भी बड़े थे, तो ये चैप्टर और वीडियो दोनों ही छोटे होने जा रहे हैं। तो इसमें इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्पीड के हवाले से, और रोड पे आपको किस किस्म की जो है रुकावटें या ख़तरे आपको मिल सकते हैं चलते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं जी कंपार्टमेंट या पसाजी अली वैलो, यानी कि आपका क्या तर्ज अमल होना चाहिए जब आप जो है ट्रेन की पटरियों के पास से गुजरें। ठीक है, कंपार्टमेंट ही कहते हैं तर्ज अमल, आई पसाजी अली वैलो ट्रेन की पटरियाँ। ठीक है, तो ये हम चंद बातें ट्रेन पसाजी अली वैलो के बारे में पढ़ेंगे कि आपका जो है वहाँ पर क्या तर्ज अमल होना चाहिए उसको देखेंगे। ठीक है, नेल अत्रावर्सार आई पसाजी अली वैलो, जब आप पसाजो अली वैलो यानी कि ट्रेन की पटरियों को क्रॉस मतलब करेंगे, अकोर उजारे ला मासीमा प्रोडेंसा, आपने मैक्सिमम जो है वो एहतियात करनी है, मुद्रा रेला वेलोचिता और स्पीड को जो है वो कम कर लेना, एरेस्पेतार तुतले नॉर्म प्रवीस्त है, और वो तमाम कवानीन जो वहाँ पे आप पे लागू होते हैं उसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, उसको आपने फॉलो करना है। अवितान दो मनोवर अजरदात है, यानी कि ऐसी जो है हरबे एहतियार नहीं करने के जिससे ख़तरे का जो है बाइस बने, अंखे से पोस सोनो फारे गोदनियारे तैम्पो, यानी कि टाइम बचाने के लिए जो है आपने कोई भी ऐसा हरबा इस्तेमाल नहीं करना जो कि ख़तरे का बाइस बने। आपने मतलब वहाँ से गाड़ी जो है स्पीड से नहीं गुजारनी, क्योंकि आप टाइम बचाना चाह रहे हैं या आपको जल्दी है, तो पसाजी अली वैलो से आपने जब गुज़रते हुए गाड़ी को मतलब टाइम बचाने के लिए अक्सर गाड़ी को मतलब हम स्पीड से चलाने की का सोचते हैं कि टाइम बच जाएगा, तो वो कहता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो कि आपके लिए ख़तरे का साबित मतलब बाइस बने। ठीक है, नॉन बिजोन या इनफाती क्रियार सिचुएशन दी बैरी खोलो, यानी कि किसी भी कोई भी किसी भी किस्म की जो सिचुएशन खतरे की सिचुएशन है वो आपने वहाँ पे क्रिएट नहीं करनी। सही है कि पोसो नो कंपोर्टारे ला कोलिसियोने कॉन ला बैरियर ओ इल डैनेजमेंटो देला अट्रेसातूर, यानी कि किसी भी किस्म की आपने खतरे की वहाँ पे जो है सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो मौजूद बैरियर्स हैं जो लगे हुए हैं वहाँ पे पसाजो अली वैलो पे, उसके साथ गाड़ी का जो है टकराने का जो बाइस बने। ठीक है, दल पसाजो स्टेसो ए सोप्रातुतो, और सबसे ज़्यादा पोसो में तेरे अरिस्कियो इनक्लूमिता दी मोलते परसोने, कहते हैं कि आपने कोई ऐसे किस्म का काम नहीं करना, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी कि जो जिसकी वजह से जो है आप टकराएं मतलब बैरियर से, या क्योंकि ये जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए मतलब ख़तरे का बाइस मान सकता है जो वहाँ पे ट्रेन पे भी सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ऑल त्रियाल कंदोचन, तो यानी कि ड्राइवर के अलावा अंखे दी कोलोर के व्याजों सु इवेंचुअल ट्रेन उन त्रास, तो यानी कि जो ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी ख़तरे का बाइस मान सकता है। आपका आपकी कोई भी छोटी सी जो है गलती, आपका कोई भी छोटा सा मतलब अमल आप मतलब काफ़ी सारे लोगों की जो है ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकते हैं, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नलका जो इनकुई उन पसा जो अली वैलो ची सी त्रो अभी अंकोरा सुई बिना रिकुल प्रोप्रियो वही कोलो क्वंदो ले बैरियर कोमिंचानो अक्यूदर्सी। ठीक है, वो कहता है कि आप अगर इस तरह का कोई सिचुएशन देखते हैं कि आगे एक गाड़ी है जो कि मतलब क्रॉस कर रही थी जो है पसाजो अली वैलो को, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो गाड़ी अभी वहाँ पे ही फंसी हुई है, तो जो बैरियर्स है कोमिंचानो अक्यूदर्सी यानी कि वो बंद होना शुरू हो गया लेकिन वो गाड़ी अभी तक आपके अंदर ही है, तो अखोर मंथने रेला कालमा, तो आपने इस सिचुएशन में जो है अपने आप को काम करना है, सबसे पहले अपने आप को जो है काम करना है, इस गुमराह
और कोशिश करनी है कि इन क्वाल के मोदो ले से द फेरोवियार है, और कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से जो है आप उन पटरियों से हटें। वो कह रहे हैं कि इस केस में वो कह रहा है कि अगर आप एक मतलब पटरी पे आपकी गाड़ी चढ़ गई है, ठीक है, मतलब आप क्रॉस करने वाले थे उसको, तो अचानक से जो है वो जो है बैरियर्स जो है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बैरियर्स होते हैं, तो वो अचानक से बंद होना शुरू हो गए, तो आपकी गाड़ी जो है अभी भी ट्रेन की पटरी पे ही है। तो आपने अपने आप को मतलब सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि अपने आप को काम करना, ठीक है, ठंडा रखना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से जो है पॉसिबल हो सके आप उस पटरी से निकल सके, ठीक है, किसी भी तरीके से आपने पॉसिबल करके उस पटरी से निकलना है। आंके स्पंदान दोले बैरियर, यानी कि अगर उस बैरियर को आपको तोड़ना भी पड़े, उस रुकावट को तोड़ना भी पड़े, तो आप तोड़ के वहाँ से निकले। से नचेसारियो अगर ज़रूरत है, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ गई है उस बैरियर को तोड़ने की, उस रुकावट को तोड़ने की, तो उसको तोड़ के भी जो है आपको वहाँ से मतलब निकलना है, ठीक है। इनका जो दियारा है तो फुरसा तो नलवई कुलसी बेनारियो एज एग्जाम्पियो अकाउजा दी उनगुआस्तो, यानी कि अगर गाड़ी जो है ख़राब हो गई है तो वो रुक गई है वहाँ पे, मतलब ट्रेन की पटरी के ऊपर रुक गई है। अकोर अदो पर रार सी पर रिमोवर लो अद अल्प्यू प्रास्तो, मतलब कोशिश करें कि उसको जल्दी से जल्दी जो है मतलब मतलब वहाँ से रिमूव करें, ठीक है, वहाँ से अगर वो ख़राब हो गया। आंखें फचन दो से उतारे द अल्थ्री उतन थी अस्पिंजर लो ओ आ थ्राइनार लो, यानी कि अगर आपकी गाड़ी जो है ट्रेन की पटरी पे मतलब ख़राब हो गई आगे, नहीं बढ़ रही आगे, तो उसको जितनी जल्दी हो सके आपने वहाँ से हटाना है, क्योंकि ट्रेन किसी भी सूरत में आ सकती है, किसी भी टाइम पे आ सकती है, उसका नहीं पता। अगर चाहे आपको दूसरे लोगों की जो बाकी रोड पे लोग मौजूद हैं उनकी मदद से या किसी गाड़ी की मदद से, मतलब गाड़ी उसको खींचे उस गाड़ी को, उसकी मदद से लोग जो है वो धक्का दें, मतलब किसी भी सूरत में आपने जो है उस गाड़ी को वहाँ पे नहीं छोड़ना, वहाँ से आपने मतलब उसको हटाना है जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। से उन्होंने पॉसिबल है, अगर ये मुमकिन नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुमकिन नहीं है और आपकी गाड़ी जो है वहाँ पे फंस गई है, ठीक है, तो आपने कोशिश की जितनी आप कर सकते हैं, अगर मुमकिन नहीं हुआ कि आप उसको वहाँ से हटा सके, तो कह रहे हैं कि से उन्होंने पॉसिबल पोस्तार लो, अगर मुमकिन नहीं है कि उसको वहाँ से हटाया जा सके। फर्श अंदर इमीदिया था मैंने तुथी पस्सा जेरी किसी त्रोवानो आप बोर दो, तो आपने क्या करना, सबसे पहले इमीडिएटली उन सब लोगों को जो है वहाँ से उस गाड़ी से उतरने का कहना है जो उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है। एफ आर इन मोदो आंखें अविजान दुलस्तियों ने फेरोवियार, मतलब सबसे पहले तो आपने उस गाड़ी में मौजूद जितने भी लोग हैं उनको आपने बाहर निकालना है, और उसके बाद आपने अविजारे करना है, यानी कि आपने नोटिस भेजना है, किसी भी तरीके कम्युनिकेट करना है स्टेशनों ने फेरोवियारिया से, यानी कि ट्रेन स्टेशन से, कि इल कंडोचेंटी दे वेहिकुली रोताया सियानो इन्फॉर्माती इन टेम्पो उथिले दिल परिकुलो, ठीक है। तो मतलब आपने एज सुन एज पॉसिबल जो है ट्रेन स्टेशन पर रब्ता करना है, ये सिचुएशन हो गई है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो जो है उनको आप इन्फॉर्म कर दें कि ये एक ख़तरा है, तो वो उनको मतलब जितना टाइम पे इस चीज़ की खबर मिल जाएगी उतना ख़तरा जो है, खतरे की कमी जो है वो, खतरा की सूरत जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ कंपार्टमेंट थी जो आपने मतलब जब आप ट्रेन की पटरी के पास से गुजरें इसको आपने मद्देनज़र रख के गुजरना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, दिशेज़ा कौन इन कैम्बियल फोल्ले, दिशेज़ा कौन इन कैम्बियल फोल्ले का मतलब है कि न्यूट्रल गियर पे जब आप ऊंचाई से नीचे आते हैं तो न्यूट्रल गियर पे मतलब आना ये मतलब मना है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है, मतलब अक्सर होगा आप जब ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद पता मूव करती है, तो आप अगर उसे न्यूट्रल गियर मतलब न्यूट्रल गियर में डाल दें तो वो नीचे उतरेगी, लेकिन ऐसा करना जो है मतलब नहीं सही, ठीक है। क्यों एक्को फिर के नोने असलुतमेंटे प्रोडेंटे प्रोचेदर इन डिस्चेजा अ मोटोर स्पेंटो ओ ए कॉन ल कैम्बियो इल फोल्ले, ठीक है, कहता है कि बिल्कुल मतलब ये मना है कि आपने
दिशेज़ जब आप कर रहे हो यानी कि आप उतर रहे हो ऊंचाई से, तो आपने मोटर को बंद कर देना या न्यूट्रल गियर में लगा देना, मतलब ये बिल्कुल मना, ठीक है। चो इन पोजिशन न्यूत्रा नेसुना मार्चा इन सेरीता इन क्वांटो ची त्रोवेरेमो इन सेरिया डिफिकल्टा, यानी कि अगर आपको अचानक आगे से कोई मतलब डिफिकल्टी आ जाती है पर रफ्तार से इलवे करो, मतलब अगर आप जो है न्यूट्रल गियर में या आप गाड़ी की जो जो इंजन है वो आप बंद करके आप दिशेजा यानी पे उस ऊंचाई से उतर रहे होंगे, तो अचानक अगर आपके आगे कोई डिफिकल्ट मतलब कोई ख़तरा आ जाता है तो आपको डिफिकल्टी होगी गाड़ी को रोकने में, ठीक है। अकाउंस देला डिमिनेशन देला फोर्स ऑफ फ्रेनाता फ्रेनाते के प्रोवोका लाउमेंटो देला स्पाचियो दे फ्रेनाथुरा इन आल्ते सरेबे डिफिचिले l'azione sul volante per evitare un ostacolo aumentando il rischio di provocare incidente. ठीक है, आप मतलब जब ऊंचाई से उतर रहे हैं तो आपने कभी भी जो है ना मोटर जो है जो इंजन जो है वो बंद करके नहीं उतरना, और ना ही कभी भी आपने ऐसा अमल नहीं करना कि गियर को आपने न्यूट्रल लगाया हुआ है और आप नीचे उतरें, क्योंकि इस सिचुएशन में जब अगर आपके आगे कोई खतरा आ जाता है, आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो मतलब जो रोकने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, ब्रेक लगने में टाइम लगेगा और ये एक्सीडेंट का भी जो है बाइस बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, पल्लो ने सुलह खरे जाता, पल्लो ने कहते हैं जी बॉल को, ये जो फुटबॉल हो सकता है, ठीक है। सुलह खरे जाता यानी कि सड़क पर, यानी कि अगर आपको आप गाड़ी चला रहे हैं और आगे आपको एक बॉल मिल जाए, फुटबॉल मिल जाए, तो आप क्या करें या उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सम केसेस में हो भी सकता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, गाड़ी चला ड्राइव कर रहे होते हैं शहर के अंदर, तो ये इन सम केसेस में हो भी सकता है। जिस तरह आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मैंने एक तस्वीर अटैच किया कि बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते बाल जो है वो सड़क पे आ गया, और मे बी बच्चे भी उस सिचुएशन में जो है रोड को क्रॉस कर सकते हैं। सो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, ठीक है। इन उन चंत्रो अभिता तो यानी कि शहर के अंदर से सी वेद उन पल्लों ने रुतुला रसुल्ला कर जाता, अगर आप एक फुटबॉल देखते हैं कि वो सड़क पे जो है वो मूव कर रहे हैं, बिजोन या रलंता रे सूबी, तो आपने कोशिश आप ये ज़रूरत है आपको कि आपने स्पीड को जो है फटाफट से आहिस्ता कर लेना है। मा प्रोग्रेसिवामेंटे चुए गोदलमेंटे पर पोतोर सी फरमारे से नेसेसारियो, और आपने जो है रुकना है अगर इसकी ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि गाड़ी को रोक दे लेना है अगर इसकी ज़रूरत पड़ जाए। प्रेवेनेंदो इल पॉसिबिले अट्रावर्समेंटो देला स्ट्रादा दा पार्ते दी बम्बीनी, ठीक है। वो कहता है कि अगर आप रोड पे गेंद देखिए अचानक आगे गेंद जो है मतलब ये फुटबॉल जो है वो आगे मतलब घूम रहा है, मतलब वहाँ पे गुजर रहा है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने स्पीड आहिस्ता कर लेनी है, ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपने रुक भी जाना है, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वहाँ से गेंद जो है वो आपको नज़र आया गुजरता हो, तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे भी उस सूरत में उस गेंद को लेने के लिए रोड क्रॉस करें अचानक से, तो आपने इस सूरत में भी मतलब जो है एहतियात करनी है, ठीक है। अखोर अवितारे ओनी थी पोदी मनोवरा ब्रूस केता, मतलब आपने इस चीज़ को मतलब एहतियात मतलब इस चीज़ को का बहुत एहतियात करना कि आपने किसी भी किस्म का जो है अमल जो है मनोवरा जो है वो अचानक नहीं करना। क्या स्पेशलमेंट स्पेशली स्ट्रेच साते मतलब अचानक से आपने मतलब वो कहते हैं जी स्टीयरिंग को आपने मोड़ दिया, ऐसे नहीं आपने करना, मतलब काम डाउन होके जो मतलब अक्सर होगा तो होता है ना कि आगे अगर आपको कुछ चीज़ मिल जाए मतलब आप आउट ऑफ माइंड भी हो सकते हैं, तो आपने ऐसा कोई अमल नहीं करना जो कि मतलब अचानक हो, ठीक है। अगर आप आगे गेंद देख रहे हैं तो आप स्पीड को आहिस्ता करें और ज़रूरत पड़े तो रोकें, ये नहीं है कि अगर आपने गेंद देखा और आप मतलब एकदम आपका दिमाग जो है वो घूम गया और आप अचानक से जो है स्टीयरिंग को घुमा दे किसी भी तरफ, तो ये ऐसे अमल नहीं करने, ये इन अमल से बचना है, ठीक है। कि पुत्रे बेरो फाची इन वादेर लकोर्सिया अपोस्ता, कि इस सूरत में आप जो है साथ वाले कुर्सी में मतलब आप दाखिल हो सकते हैं अगर आप ऐसा कोई मनोवरा करते हैं, ठीक है। फ्रेनाते इम्प्रोवीज़ है, मतलब अचानक से आपने ब्रेक भी नहीं लगानी एकदम से, वो भी खतरे का बाइस बन सकती है। के पोत्रेब के
के पुत्र बेरो प्रोदूर उन तम पुराने मायन थे द पार्थे दिल वही को लोग सेगवे, मतलब उसके से टक्कर लगने का भी बाइस बन सकता है। ठीक है, उन्होंने निश्चित सारे अक्षनारे मीतिया तमें तेलसियों ने लोमिनोजो दी पेरिकुलो, यानी कि इमीडिएटली आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सन्याले दी लोमिनोजो दी पेरिकुलो वो लगाए। ठीक है, तो ये कुछ मतलब थे, मतलब इसमें एहतियात करनी है जब आप एक जो है फुटबॉल को देखें रोड पर, तो आपने क्या तर्ज़ अमल आपने अपनाना है, ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया इस हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, पसारे मोल तो विचुनवा दो ना तो परखे जा, तो ये आपने कभी भी नहीं करना कि आपने एक अगर आप कार जो है इस सूरत में आप ये तस्वीर देखें कि एक अगर कार ऑलरेडी पार्क है, ठीक है, तो उस सूरत में ये आपने कभी भी नहीं करना कि उसके नज़दीक से आपने बिल्कुल भी नहीं गुजरना। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अंदर अभी भी लोग मौजूद हों इस कार के अंदर, अभी भी जिस तरह ये कार एक पार्क है तो ये साथ में एक कार है जो कि उसके नज़दीक से गुजर रही है, तो ये मनोवरा बिल्कुल गलत है, ये ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एक पार्क कार के नज़दीक से कभी भी आपने गाड़ी को नहीं गुजारना, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस कार के अंदर, यानी कि इस कार के अंदर जो तस्वीर में दिखाई गई है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस कार में अभी भी लोग मौजूद हों और वो निकलने का इंतज़ार कर रहे हों। मे बी आप अगर वहाँ से बिल्कुल नज़दीक से गुजरे, ठीक है, और वो दरवाज़ा खोले, तो इस सूरत में जो है आपका जो है टकराव हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, गाड़ियों का आपस में टकराव हो सकता है। सो जब भी कार आप कोई भी पार्क देखें तो आपने उसके नज़दीक से नहीं गुजरना, पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर जो है लोग बैठे हुए हों और वो इंतज़ार कर रहे हों कि कब जो है मतलब गाड़ी कोई मतलब साइकिल वाला गुजर रहा है या पैदल चलने में वो गुजर जाए तो फिर वो दरवाज़ा खोल, तो ऐसा अमल आपने नहीं करना। ठीक है, कभी भी पार्क गाड़ी के नज़दीक से आपने अपनी गाड़ी को नहीं गुजारना बिल्कुल नज़दीक से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी, रेगुलेशन दिल ना विलुचिता, स्पीड की जो है रेगुलेशन, ठीक है, ला विलुचिता देवे असर रेगुलाता अफियन के नॉन इंथ्रालची ला सर्कुलेशन ओ काउजी डिसऑर्डिने ए सोप्रातुत्तो अफियन के नॉन कोस्ट्रुइस्का पेरिकुलो पर ला सिकुरेत्सा देला पर्सोने देला कोजे। ठीक है, वो कहते हैं कि आपने स्पीड इस हिसाब से रेगुलेट करनी है कि सड़क पे चलते हुए जो है किसी भी किस्म की रुकावट या डिसऑर्डर का बायस ना बने, और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ऐसा कुछ ना हो कि जिससे मतलब जो है हतरे की सिचुएशन कोई पैदा हो। ठीक है, उसके बाद एकमों को सैम्पर एंथ्रोइले में थी मासी में कौनसनती थी। ठीक है, और आपने हमेशा जो है उस रोड पे जो है जो मैक्सिमम स्पीड आपको बताई गई है जिसकी इजाज़त है, ठीक है, उसके मुताबिक जो है आपने वहाँ पे मतलब चलना है। ठीक है, विजोन या सैम्पर बनते उना विलोचिता को रहता कि आपने हमेशा मेंटेन रखनी है एक मतलब आपके लिए जो करेक्ट स्पीड है उस हिसाब से। अफिंग के कुछ था कंसेंट दि मेंटेनर एंड कंट्रोल ओ दिला व्हीकल और रास्ता लो नल कैंपो दि विजिबिलिटा इन कंडीशन दि सिक्योरिटी इन काजो नहीं इम्प्रोविस्टी। वो कहते हैं कि आपने कोशिश करनी है कि स्पीड आपकी मेंटेन रहे, ठीक है, करेक्टली आपके हिसाब से, इन केस अगर जो है आपको आगे जाके गाड़ी रोकनी पड़ सकती है इन केस ऑफ सिक्योरिटी, तो आप उसको टाइम पे रोक सकें, ये ना हो कि आपने स्पीड इतनी ज़्यादा की हो और आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाए स्पीड। सो ऐसा कभी भी स्पीड जो है अपने कंट्रोल से बाहर आपने नहीं रखनी, स्पीड को इस तरह मेंटेन करना है कि वो आपकी कंट्रोल में रहे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं जी, रेगुलर ला वेलोसिटा इल कंडोचेंटे ऑल्ट्रे के दी लिमिटी मासिमी कंसेंटिटी के देवनो सेंपरे एसर रिस्पेक्टाती देवे टेनेरे कॉन्टो दे सेगमेंटी फैक्टोरी, यानी कि ये चीज़ जो है स्पीड मेंटेन करने के बाद ये इन चीज़ों पर भी आपका अमल जो है लाजमी है। ठीक है, इन चीज़ों को भी देख लें, ये भी चीज़ लागू होती है स्पीड रेगुलेट करने के साथ साथ। ठीक है, ला प्रोप्रियो कंडीशन सिको फिजिक है, ठीक है, आप साइकोलॉजिकल जो है आपकी कंडीशन कैसी है आपने उस हिसाब से जो है स्पीड को मेंटेन रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप की साइकोलॉजिकल सिचुएशन जो है इस मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, अचानक स्पीड तेज़ में आप गाड़ी को रोक नहीं पाते हैं, उस पर कंट्रोल आपका नहीं रहता,
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, ठीक है, कि जिस पे आपको मतलब इसको मद्देनज़र रख के आपने स्पीड को जो है मेंटेन करना है, ठीक है। लखारातरिस्ती के लुस्ता थो एलकारी को दिल वही को, यानी कि आपने ये भी देखना है, ये भी फैक्टर जो है स्पीड के मेंटेन रखने पे अमल करता है कि आपकी गाड़ी जो है उसका स्टेटस क्या है और उसमें जो है लोडिंग गाड़ी के अंदर कारिको कितना है, ठीक है, या कौन सा कारिको है, ये भी आपने मद्देनज़र रखना है। ले कंडिजियोने देला स्ट्रादा कैरेक्टरिस्टिक स्टेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग पुलिसिया, और जिस रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, उस रोड पे जो है उसके कैरेक्टर जो जो उसका स्टेट ऑफ द रोड क्या है, यानी कि रोड कैसी है, उसकी जो मेंटेनेंस है वो कैसी है, और उस पे जो सफाई का काम है वो कैसा है, उस हिसाब से भी आपने गाड़ी को जो है रेगुलेट करना है स्पीड को, ठीक है। कंडीशन एटमॉस्फेरिक, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, धुंध तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है, बारिश तो नहीं हो रही, बर्फ़ तो नहीं गिरी, ये सारी कंडीशंस भी एप्लीकेबल होती हैं आपकी स्पीड को जो है मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो इस फैक्टर को भी जो है आपने मद्देनज़र रख के स्पीड को जो है क्या लेके रेगुलेट करना है। लेकिन दस्यों ने दिल ट्रैफिको, यानी कि रोड पे जिस रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं उस रोड पे जो है ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, कितनी ट्रैफिक है, तो इस फैक्टर को भी आपने मद्देनज़र रख के जो है स्पीड को रेगुलेट करना है। ये कुछ फैक्टर थे जिनको मद्देनज़र रख के आपने स्पीड को जो है रेगुलेट करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, इन पर्टिकुलर ए ओब्लिगेटोरियो रेगुलर मुदरार लवलिचता, यानी कि इन सारी सिचुएशन में, ये जो आपको नीचे दी गई है, इन सारी सिचुएशन में आपने स्पीड को जो है मॉडरेट करना है, कम करना है और रेगुलेट करना है, ठीक है। कौन कौन सी जगहों पे आपने स्पीड को कम करना है ये सारी लिखी होंगी, ठीक है। कूर्वे पे और दोसी पे, यानी कि मोड़ और पुल पे आपने स्पीड को जो है कम करना है। इनक्रोची चौक पे आपने स्पीड को जो है कम करना है। पसाजी इंगोम्बरा थी ओ क्वांदो रिजुल्ट कोमुंक्वे डिफिकल्टा लाइन क्रोचो कौन आल्ट्री वहीकुली, ठीक है। जब आप मतलब किसी तंग रोड से गुजरना है तो वहाँ पे भी आपने जो है स्पीड को कम करना है। फोर्थी दिशेज है, मतलब आपकी जो है डलवान जो है वो काफ़ी जो है नीचे की तरफ है, तो वहाँ पे भी आपने स्पीड को मॉडरेट करना है। और है ना, तो रात के वक्त आपने स्पीड को मॉडरेट करके चलना है, मतलब कम करके चलना, मतलब इतनी ज़्यादा कंट्रोल से बाहर नहीं रखने। अच्छा, उसके बाद स्त्रादे विशिदा, यानी कि काउजा दिया को ने वे गया चौफोल या अफांगो, यानी कि वो वाली सड़कें जिस सड़क पे फिसलन है वहाँ पे भी आपने स्पीड जो है मॉडरेट करके चलना। उसके बाद इन काजो दी फोर्थ इवेंट तो लेतराल, अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तब भी आपने स्पीड जो है उसको जो है रेगुलेट या मॉडरेट करके चलना है। नेबिया, यानी कि धुंध वगैरह का सिस्टम है तब भी, और जब सूरज जो है कहने के ग्रूब हो जाता है या थोड़ा अंधेरा शुरू, तब भी उस हिसाब से भी लवोरिन कोर्सो सड़क पे काम चाह रहे, उस हिसाब से भी त्राइंगलो मोबिलो दी पेरिकुलो अगर आगे लगी हुई है तब भी आपने स्पीड को कम करना है। चंत्रो अभिताती शहर के अंदर से आप गुजर रहे हैं तब भी आपने स्पीड को जो है मतलब मॉडरेट करके एहतियात से चलाना है, ठीक है। लोगों की फ्रिक्वेंटाती दई बम्बी, जिस जो है जगहों पे बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब कहने के अगर उस एरिया में, जिस एरिया में आप ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पे पार्क्स ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस एरियाज़ में भी आपने जो है एहतियात से चलना है। ट्राफिक मिस तो मिक्सड ट्रैफिक, यानी कि कुछ गाड़ियाँ आहिस्ता चल रही हैं कुछ तेज़ चल रही हैं, तो इस सिचुएशन में भी आपने स्पीड को जो है एहतियात से रेगुलेट करके चलना है। ये कुछ सिचुएशन थी, ये कुछ कहने के जगह थी जहाँ पे ओब्लिगेटोरियो है कि आपने स्पीड को रेगुलेट करके चलना है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं जी, कॉन्सिक्वेंस दे ला अल्टा वेलोसिटा, अगर आप तेज स्पीड के साथ बढ़ते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है। प्रूस्के वेरिएशन दी वेलोसिटा कंपोर्टा नॉन मजोर कंज्यूम दी कार्बोरान थे, यानी कि आप
जो है एकदम स्पीड तेज़ है, और उसके बाद एकदम ब्रेक लगाते हैं, फिर स्पीड तेज़, फिर इस तरह के जो कहने के मनोवरे हैं, इस तरह के जो सिचुएशन है, उस सूरत में जो है आपकी गाड़ी का जो है पेट्रोल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, लचसी वाले चुता इन चीज़ वसूल तीनों तदिसरा दल वहीकुल स्पेशलमेंट इन कोरबा। ठीक है, तो आपने गाड़ी जो है मतलब इस हिसाब से चलानी है कि आपने जो है ये बार बार वो कह ले के रेस दे के और फिर रोकना, तो ये जो है आपके कह ले के पेट्रोल की कंज्यूमिंग का जो है ना बाइस बन सकता है। ठीक है, तो इस सूरत में भी आपने एहतियात करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लिमिट मासी में भी लिखित है, यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड जो है इटली में जो अलाउड है वो यहाँ पे सारी लिखी हुई है। आप इसको मैं बारी बारी तो आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप इसको वहाँ यहाँ पे वीडियो पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको देख सकते हैं। आप यहाँ पे आपको तमाम जो है स्पीड्स जो हैं इटली में जो मैक्सिमम स्पीड जो हैं वो अलाउड हैं, यानी कि शहर के अंदर जो सेकंडरी सड़कें हैं प्रिंसिपाले या ऑटोस्ट्राडा पे, तो वो सारी स्पीड यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो सन्याली हैं, सन्याली दी वेलोसिता द अप्लिकारे सुई वहीकुल, मतलब ये सन्याली दी वेलोसिता है जो मैक्सिमम स्पीड के सन्याले है, ये अप्लिकारे सुई वहीकुल गाड़ियों के पीछे लगाने के लिए। अब ये किन गाड़ियों के पीछे लगते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बस के पीछे लगा हुआ है ये साइन, सो मैक्सिमम स्पीड, या यहाँ पे मे बी 80 लिखा हुआ है। सो ये इसको देख लेते हैं, ये साइन कहाँ लगते हैं। ठीक है, वन अप्लिकाते सुल्ला पार्ते पोस्टरियोरे दी अलकूनी वहीकुल, ये लगते हैं जी कुछ गाड़ियों के पीछे, लेकिन कुछ किस्म की गाड़ियों के पीछे, ठीक है, सबके नहीं। एने इन दिकानोला वेलोसिता मासीमा मासीमे कंसंटीत है, और ये इंडिकेट करता है कि जो इसके पीछे गाड़ी चल रही होती है उसको कितनी जो है कह ले के स्पीड मैक्सिमम जो है वो अलाउ है। रिस्पेक्टिवमेंट सु ऑटोस्ट्राडा है सु स्ट्रादा सर्बाने प्रिंसिपाल, पोसोनो एसेरे अल मासिमो 200 सुल्ले स्टेसो वेहिकुलो, कहता है कि ये जो सन्याल है ये मैक्सिमम 2 लग सकते हैं किसी भी गाड़ी के पीछे। अच्छा, वन नो अप्लिकाती, ये किन गाड़ियों के पीछे लगता है, तुति वहीकुली दी मास सुपीरियर 3.5 टन, यानी कि वो सारी गाड़ियाँ जिनका वजन जो है 3.5 टन से ज़्यादा है उनके पीछे ये लग सकता है। ए क्वाद्री चिकलिया मतोरी परखे आन नो दे लिमिटी वेलोसिटा पर्टिकुलारी डिवर्सिटा क्वेली जेनरली, यानी कि क्वाद्री चिकली मोटोरी के पीछे भी जो है ये लग सकता है क्योंकि इनकी स्पीड जो है बाकियों से डिफरेंट होती है। ठीक है, डिवर्सी होती है। ठीक है, तो ये थी सन्याले दी वेलोसिटा दा अप्लिकारे सुई वेहिकुले, इनके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं जी, चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो आपसे मेरी मुलाकात होगी, ये क्योंकि चैप्टर छोटा ही था तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि चैप्टर नंबर 11 जो है आज छोटा ही है, तो चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब अल्लाह हाफिज़।